मिने रजीम। रहीम। आ रजीम शैतान बसमन रहीम नाजरीन आपको सबा दाऊदी का और आ, मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं अम्बर फ़ आख का आपको सलाम पहुँचे आज के इस प्रोग्राम में हमने जो बात डिस्कस करने के लिए जो चुनी है वो यूँ हैं कि हम इंसान बहसीियत इंसान हम किस हद तक अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताली की दीवी इनायात का शुक्र अदा करते हैं और ये शुक्र एक ऐसी चीज़ है जो हमें अल्लाह ताला से करीब करती है अपनी पहचान करवाती है हम अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो हो रहा है उससे अल्लाह ताला की पहचान करते हैं अपने दिए हुए अल्लाह की दी हुई अतायात और जो भी उसकी दी हुई नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह से कुर्बत हासिल करते हैं अब जो आज जिस बात पे हम उसको लेकर चल रहे हैं वह यूँ हैं कि अल्लाह ताला वैसे तो हमें कह रहा है कि तू मेरा शुक्र अदा कर मैंने तुझे हर चीज़ हर नेमत अदा की है लेकिन यहाँ पे ये भी बात हमें देख लेना चाहिए कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब कुछ चीज़ों को जो भी अल्लाह ने नेमतें हमें अता कर रखी हैं कर रखी हैं उनको लेकर वो उसकी ना करता है यानी क़़़रान नेमत करता है अब क़़़रान नेमत एक ऐसी आ, बात है कि जो है गुनाह कबीरा में आती है यानी अगर अल्लाह ताला ने हमें वो सलाहियतें वो नेमतें अता कर रखी हैं जिससे कि हम अपनी पहचान कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं अपने आ, अपने दुनिया के आम जो काम है वो कर रहे हैं और उसमें हमें बगैर किसी एहसास के हम अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं अब आप यूँ देख लीजिए कि जैसे हम सांस ले रहे हैं हम इस वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं मैं अगर यहाँ मौजूद हूँ इस वक्त तो उसने मुझे इस चीज़ के काबिल किया कि मैं अपने घर से निकलूँ यहाँ तक आऊँ और आपके सामने इस तरह बैठूँ और अल्लाह ताली का ज़िक्र करूँ तो इसमें मेरा इरादा जहाँ शामिल था वहाँ पर अल्लाह ताली की देवी अफालियत जो थी वो भी देखिए कि उसने मुझे ये फ़ेल करने के काबिल किया उसने मुझे इसकी तोफ़ी अता की लेकिन अगर मैं यूं समझूं कि ये जो तफीक है ये मेरे अपने इरादे से हुई मेरी काविश से हुई मैं गाड़ी में बैठी मैंने चलाई मैं यहाँ तक आई और मैंने आकर आपसे ये बात की तो ये मेरी आ, ये मेरी जहालत होगी क्योंकि मैं ना शुक्रा पन जो है उसका इजहार कर रही हूँ क़रान नेमत कर रही हूँ जो कि गुनाहे कबीरा से भी बढ़कर है क्योंकि हमें अल्लाह ताला की दीवी नेमतों को जुटला रही हूँ उसने जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द फैला रखा है जो भी सहूलियात हमें अता कर रखी हैं जो भी हमें आ, हमें नज़र नहीं आ रही हैं हम उनको ग्रांटेड ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें वहाँ मौजूद नहीं हैं हमारे इर्द गिर्द वो सब कुछ मौजूद है जो उसने अता किया है लेकिन हमें सिर्फ आंखें खोलने की ज़रूरत है उनको रिकग्नाइज़ करने की उनकी पहचान करने की ज़रूरत है इस वजह से शुक्र सिर्फ़ ये नहीं है कि तूने मुझे खाना दिया और मैंने तेरा शुक्र अदा किया तूने दिन दिनों दिन को रात किया रात को दिन किया शुक्र अदा किया शुक्र इससे बढ़कर है कि उसका उसकी ज़ात ने ये सब चीज़ें ये सब जो आ, अवामिल हैं दुनिया में जो भी दु, अगर दुनिया घूम रही है दिन और रात हो रहे हैं हम सो रहे हैं हम जाग रहे हैं हम सांस ले रहे हैं हम बोल रहे हैं हम देख रहे हैं हम सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें उसकी हर बात का शुक्र अदा करना है और इस बात को रिकगनाइज़ करना है कि उसकी ज़ात इस दुनिया में मौजूद है जो दुनिया में नहीं इस चीज़ की तरफ़ रजू करते अल्लाह की तरफ रजू नहीं करते अल्लाह की तरफ नहीं उसकी दीवी अनायात का शुक्र अदा नहीं करते तो वो मोमिन के दर्जे पर कभी भी नहीं पहुँच सकते वो कुफर की दहलीज़ में दाखिल हो जाते हैं तो आज है मेरे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए अंबर आफाक मौजूद हैं और हम एक मौजु को जितना भी आसान तरीन बनाकर कोशिश करेंगे कि ताकि हम उसको उस पर बहस कर सकें ताकि हम अपने इर्द गिर्द की छोटी चोड़ छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकें अपने इर्द गिर्द की तमाम उन बातों को को की तारीफ़ कर सकें जो कि अल्लाह त नमतों ने की सूरत में हमको दे रखी हैं तो चलते हैं अम्बक की तरफ असल वालेकुम असलम साहबा आपकी बात मुझे बहुत ही पसंद आई और आपकी बात के हवाले से मैं आगे कुरान की एक आयत है बहुत ही खूबसूरत है और मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद है यह आयत रहमान की है फ़बे अ ये अलाए रबत जब सुबह हम दिन में बहुत बार सुनते हैं या चलें जब भी आपका मूड होता है आप सुनते हैं और लेकिन उसका जो तर्जुमा और तुम अपने रब की किन किन नियमतों को जुटलाओगे कि अल्लाह ताला आपको बता रहा है कि पहचानो अपनी नेमतों नियमतों तुम्हें तो कितनी नेमतें दी हैं किन किन चीजों को जुटलाओगे हम, हम सबसे बड़ी चीज है कि हम रियलाइज ही नहीं करते कि हमारे पास अल्लाह ने कितनी नियमतें दी हैं एक बड़ी गाड़ी एक अच्छा घर ही आपके लिए नियमत नहीं नियमत नहीं आपके लिए वेल लाइफ वेल ऑफ होना ही नमत नहीं है आपके लिए well well नमत है आपका बोलना आपका देखना आपके सेंसेस अगर आपके सेंसेस आपको काम कर रहे हैं अल्लाह ने आपको हाथ पैरों से बनाया है आपके हाथ पैर सलामत हैं आपकी नजरें सलामत हैं आपकी आवाज़ आपका जिसम आपकी सेहत सब कुछ अल्लाह की नियमतों में आपकी औलाद आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है बेशक, जो बेशक, आपके बेशक, दिलों की ठंडक होती है तो सबसे पहले आप अपनी इस चीज़ को रियलाइज करें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतें है दी हैं और क्या आप इन नेमतों को पहचानते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अदा शुक्र किया है कि उस चीज़ को यूज़ करें अगर अल्लाह ने आपको बोलने की सलाहियत दी है जैसे माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी बातें करती हैं और आप उसको यूज़ करिए और उस वे में कि लोगों तक मैसेज पहुँचा रही हैं छोटे छोटे टॉपिक्स उठाकर उसको लोगों तक पहुँचाना लोगों के मसाइल हल करना ये एक नेमत है जो आप अल्लाह के अल्लाह ने आपको दी और आप उसको यूज कर तोफीक रही तोफीक है। करता उसकी, करता है। हाँ, वो अपने को मानने वालों को अपने बंदों को इसकी और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं मैंने हदीसों में कहीं पढ़ा है कि अल्लाह ताला की सौ रहमतें बेशक वो रहमान है रहीम है मालिक है वो हर चीज़ का लेकिन उसने दुनिया में एक रहमत दी है उस एक रहमत वो एक रहमत अगर आप एक नेमत सोचें तो वो उसने पूरी ज़िंदगी को कवर कर लिया आपकी तो वो कितना बड़ा रहमान हो गया कि 99 नाइन आपके लिए आखरत के लिए रखी हुई है एक रहमत में आपके पास आ जाते हैं आपके हवा से खमसा सेंसेस जिसे हम कहते हैं वो आ जाते हैं आपकी औलाद आ जाती है आपके दिलों की ठंडक आपके हवा पानी बिजली आप एक किसी कभी अल्लाह ना करे कि हॉस्पिटल जाने का इतफाक हो आपको लेकिन आप जरा सोचें कि अगर आप एक दिन हॉस्पिटल जाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को लगाओ आपने सुना भी होगा कि ऑक्सीजन लग गए तो कितना बिल बना देता है कभी अल्लाह ताला ने आपको वो बिल बनाकर भेजा किडनी का प्रॉब्लम हो तो आप डायलिसिस करवाते हैं तो बे कितने बे 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 तो कितने हजारों उसमें हम उसकी हैं? जो जो इर्द गिर्द हमारे मौजूद हैं चीजें हम तो उनको ग्रांटेड लिए जा रहे हैं ग्रांटेड लिए जा रहे हैं हैं कि ये क्या सिलसिला है जैसे देखिए हवा चलती है तो हम कहते हैं तूफान आया हुआ है लेकिन खुदा जाने अल्लाह तला ने इस तूफान के पीछे क्या उसका सब है कि वो कितनी जो रद्द अमल है कुछ चीजों के वो बदल रहे हैं कुछ जमीन में आसमान में जिनसे की ये दुनिया कायम है बेशक अगर तूफान आ रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जलजले की शक्ल में आ था उससे बेहतर है कि वो हवा का तूफान आ गया अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज बगैर मतलब के नहीं बेशर, बेशर, और हर चीज अपनी जगह पर नेमत है बेशर, हर चीज अपनी जगह पर नेमत है अभी हम लास्ट वीक बच्चों को पढ़ा रहे थे उस मुझे इस टॉपिक पर याद आया कि हम सोचते थे कि चिमगा दैठ जिसे हम कहते हैं क्यों अल्लाह ने खल्क किए क्या मकसद है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि वो वन आवर में वन थाउजेंड मॉस्किटोज मच्छर खा, खा जाती, जाती हैं। तो आप और वो निकलती भी रात में तो मच्छर आपके इंसेक्ट वो अपने वन आवर में खा जाती हैं मतलब एक तो मच्छर जो है वो तो फैल जाए और ज्यादातर वो ऐसी जगह पर होती है जहाँ पे डाक हो जहाँ पे सीलन हो इस तरह की जगहों पे तो मुझे वाकई में उस वक्त बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे हैरत हुई पर मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि हम इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ खल की है किसी ना किसी मकसद से यहाँ से मुझे एक और आ, 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 बात याद आई कि जैसे कि एक छिपकली है एक बहुत ही मकरू सी मखलूक है जो दीवारों पर रिंगती है। फिरती है और लोग और बच्चे उससे घबराते हैं क्योंकि वो काफ़ी साइज में भी बड़ी होती है। लेकिन ये कि उसके मकसद भी कुछ ऐसा ही है कि तमाम मक्खियां और मच्छर जो वो खाती है अगर वो ये सब ना करे तो इसलाक यानी कोई वाइपर सा सिस्टम है जो माहौल में जितनी भी प्रागंदगी है कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे कि जानवर हैं ये छोटे चोड़ छोटे कीड़े मकोड़े हैं अगर ये वो चीज चीज़ें ना करें अगर ये इनको ना खाएँ तो वो इस हद तक फैल जाएँ कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाए हमारा सांस लेना दोबर हो जाए तो ये चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं उनके मकासद हैं कोई भी मखलूक जैसे आपने उनका कहा कि ओ, क्या कहते हैं उनको चमगादड़ चमगाड़े जो है रात में निकलती हैं तो उनको वह नजर आती है तो उसकी अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए हमें हर लिहाज से कि उसकी ज़ात ने जो हमारे इर्द गिर्द माहौल महौ, हमें मुहैया किया पाक साफ हवा अता की उसके पीछे क्या अवामिल जो है वो उसने पैदा किए हुए हैं तो हमारे लिए तो तो ये बहुत यानी सोचने का मकाम है तो अल्लाह ताला ने वही दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह ताला ने बे इरादा बे खल इरादा खल नहीं, बेचे, नहीं बेचे, की है हर चीज के पीछे मकसद है। अगर अल्लाह ताला ने हमें तल्क किया है और माशाला और इस बात को हम नेमत ही मानते हैं कि हमें एक शिया मुस्लिम घराने में पैदा किया है सुबह ये तो उसने हमें डबल इनायत कर दी लेकिन क्या हम उस चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं जो हम मजलिस में जाते हैं एक फायदे वाली चीज है आप जाते हैं मजलिस में अपना टाइम निकाल कर पहुँचते हैं इमाम को पुरसा देते हैं बेशक ठीक है लेकिन क्या आप उस मजलिस से उस जिक्र हुसैन से अपने लिए कोई लेसन लेकर उठते हैं कुछ, सीख के आते कुछ हैं? सीखते हैं या सिर्फ आपका मकसद है कि इमाम हुसैन को पुरसा देना बीबी जैनब ने मजलिस का इनका इसीलिए शुरू करवाया कि लोगों को इमाम का मैसेज पहुँचे हम में से कितने लोग अक्सर नमाज में खफरत बरत जाते हैं बेशक अगर आप नमाज पढ़ें और बहुत सारे लोग माशा माशा से नमाजें अदा करते हैं और बहुत ही खूबसूरत एक आ, 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 दुआ है फिर नफसी व सात फ़िरिस्की व शुक्रा लक बदम माँ कहते तरी फ़जर की नमाज के वक्त पढ़ते हैं ज़्यादातर लोग देखे। देखे। नमाज में नमाज में बिल्कुल और इतनी खूबसूरत आयत है मुझे बहुत पसंद है कि उसमें कि अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे शुक्र की तोफ़ी कता फरमा तो आप सोचें कि इंसान अल्लाह से ये दुआ करे कि शुक्र की तोफ़ी अदा फरमा और ये कोई हम में से आप में से किसी ने ये दुआ नहीं लिखी ज़रूरत कि आप उस आयत के और उस दुआ के पस मंजर में देखें कि अल्लाह ताला को शुक्रगुजार होना कितना पसंद है आप शुक्रगुजार होंगे अल्लाह ताला आपको उस नेमत से ज़्यादा अता करेगा जो उसने आपको दी है ना शुक्रपन वही सबा मैं और आप बात कर रहे थे कि आ, कि अल्लाह ताला की एक क्रिएटर होता है बेशक जिसके अंदर आपकी अपनी सलाहियतें भी नज़र आती हैं कि भाई ये पेंटिंग आप वो वो जो चीज़ें

उससे यानी वो अंदाज़ा हो जाता है तो जब अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बनाया उसकी ज़ात ने हमें तख्लीक किया तो क्या हम ये नहीं समझते कि उसकी ज़ात का कोई परतो हम में भी होगा बेशक बिल्कुल तो वो परतव तो हमारी ज़ात से इजहा जब हम उन चीज़ों को रेकगनाइज करते हैं जब उनको हम रियलाइज करते हैं कि हम में ये सलाहियत मौजूद है अगर हम सुनने वाले तो अगर हम कहते हैं हम सुन सकते हैं तो वो सुनने वाला है बेशक अगर हम देख रहे हैं तो वो देखने वाला है और सिर्फ और सिर्फ यूँ बात है कि उसका आ, उसकी हैथ हमारे जैसी नहीं है वो इंसान की शक्ल में नहीं है वो किसी भी शक्ल में नहीं है वो तो बस मौजूद है।, है वो मौजूद है और हमें उसको शक्ल नहीं देनी लेकिन हम अगर उसकी एक तख्लीक़ है तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए तो यूँ बात चल रही थी कि उसकी में, लेकिन वहाँ से हम लेकर चले थे इस बात को यूँ इस बात का जिक्र यूँ आया था कि हम अगर ना शुक्रापन करते हैं तो उससे ये देखिए कि अल्लाह ताला नाराज़ होता है कि मैंने तुझे इतनी ज़्यादा इनायात दी दुनिया में तुझे मैंने इंसान बना के भेजा अशरफुलमखलूक़ात बनाया यानी तमाम मखलूक से अफजल कर दिया तुझे मैंने अकल सलीम अता की इंसान बनाया तो अकल से बनाया यानी तुझे अकल दूसरों से ज्यादा दी तेरे अख्तियार में ये दस उंगलियां कर दी कि जो जैसी जरूरत हो वैसी उंगली वैसे पकड़ती है उसका यानी वो इख्तियार दे दिए उसने जब इतने ज्यादा अख्तियारा और कुत गोयाई अता की जो हक है वो बोल झूठ से बच झूठ गुनाह है झूठ इंसान को बुराई की तरफ लेके जाता है तो बुराई से बच सच बोल हक गोई जो है उसको अपनाओ तो ये स, जब अल्लाह ताला हमें इस चीज की कुराने पाक से के हवाले से दे देता है इसकी हमें, हमें कुराने पाक सबसे यानी जो है उसका अपना भेजा हुआ उसका अपना मैसेज है उसका अपना एक उसका, अपना एक, उसका भी एक नेमत है बेशक ये हमने नेमत की मिसाल यूं भी आती है कि जिसपे हमारा हक ना हो और हमें अता कर दी जाए जिस पे हमारा हक होता है हम उसको मांगते हैं और हम उस कुरान को लेकर के उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाते हैं। हम उसको सिर्फ वही बात आ जाती है कि ख़ास मौक़े पे किसी की कुरान खानी में या रमज़ान में निकालते हैं और उसको वहीं बंद करके रख देते हैं क्योंकि हम अरब पढ़ते हैं हम उसके, नहीं पड़ते। नहीं पड़ते। हम उसके तराजम नहीं पढ़ते हम उसके तराजम पढ़े अगर एक एक चीज को अभी हम कल इस बात पे अभी बल्कि आते हुए ये बात हो रही थी कि अगर बिलफर्ज किसी खातून को कोई एक ऐसी चीज लिखी हुई मिल जाती है घर के दरवाजे पे जिसको कोई तावीज या गंडा समझा जाए तो वो ले लेके उसको खूब घूमेंगी फिरेंगी कि इसके पास जाऊँ उधर से उधर जाऊँ है किसका मुझे पता चले कि ये क्या था क्या मैसेज था इसमें लिखा हुआ लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सुरह फलक है सुरह नास है सुरह कुल है हैफरून है। की जो हमारी आ ये सारी आयात हैं जो हमें गंडे वसवसों से दूर करती हैं तो बजाय इसके तो कि हम... से दूर करती हैं आपको वह करती वह में नहीं पढ़ने और आपकी लाइफ को एक स्ट्रक्चर देती हैं अगर आप कुरान के मैं ये नहीं कहती कि आप एक दिन में पूरा कुरान पढ़ लें लेकिन कोशिश करें कि अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें एक पेज क्या मैं कहती हूँ चार लाइनें पढ़ें? एक लाइन पढ़ के उस पर गौर फिक्र सिर्फ उसके तर्जुमे को पढ़ के कोशिश करें उसको करने ठीक है कि बहुत सारी चीजें आप फॉलो नहीं करते लेकिन समझने की तो आपको मुझे भी अभी ये नहीं कह रहे है हम यहाँ पे सबसे अब अब बैठे हुए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है हम और आप एक कश्ती में सवार है हम अगर ये सजेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने आप को भी इस चीज सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक लाइन पढ़नी चाहिए और एक लाइन पढ़ के उस गौर गौर व फिक्र करना चाहिए तो हमें अल्लाह ताला के कितने परतो और नजर आएंगे उसकी दीवी नेमतें और किस कदर नजर आएंगी ठीक है बेशक बिल्कुल आप कुरान की कोई भी आ, के, के, कुरान पढ़ लें आप नमाज पढ़ें नमाज में हम न, हर नमाज में पढ़ते हैं सूरह फातिहा लाजमी जुज है सूरह फातिहा के बगैर आपकी नमाज नहीं है तो आप उस न सुरह फातह का तर्जुमा पढ़ के देखे बहुत ही खूबसूरत है और उसमें भी यही है कि अल्लाह ताला को नेमत बांटने वाला कहा जा रहा है अनमता कि अल्लाह नेमत बांटने वाला है उन लोगों में शामिल फरमान जो तेरे शुक्र गुज़ार हैं जिन इलाहियां। पर तूने अपनी रहमतें नाजिल की ना कि उन पर जो गुमराही में पड़े रहे तो आप देखें अल्लाह तला हर, हर आपको पाँच वक्त याद दिलाता है कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस मैसेज को सुनो और समझो लेकिन हम क्या समझते हैं अल्लाह तला ने हमें बेशुमार नेमतें की वो ऐसे ही तो नहीं जतला रहा कि हम मेहनत तो में नमत दिए जाओ नियमत दिए नहीं आप गौर करें अपनी जिंदगी पे अपने लाइफ स्टाइल पर गौर करें जब खास तौर पे सेहतमंद होते हैं तो हमें तो अपनी सेहत का या अपनी उस नेमत का पता ही नहीं चलता अल्लाह जब चलता। हम बीमार एक बात थोड़ी सी आपकी काटती दी चलो एक छोटी सी मिसाल है बिल्कुल आम सी और हर घर में होती होगी मेरी बच्ची माशाल्लाह से मैं उसको किसी बात पे मैंने उसको जरा थोड़ा सा डांटा और मैं नमाज का वक्त था और मैं थोड़ी देर के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए गई उसके बाद वो आई है मोती दिन में वो बात भूल भी गई और वो आई तो मैंने उसका माथा चूमा उससे बात की तो मुझे हैरान होकर देखी कहती कहती कैसी बात है और उसने ये महसूस किया और उसने मुझे ये कहा ये कल की बात और उसने मुझे महसूस किया और कहा कहती है जब तक आपने नमाज नहीं पढ़ी थी तब आप गुस्से में थी लेकिन नमाज के बाद आपकी आपका बिल्कुल जो एक आप, वो बदल गया आपका रवैया बदल गया तो देखिए जब हम इंसान अल्लाह ताला के आगे सजदा बसज, अपने बसजुद होते हैं जब उसके सामने रुकू करते हैं और हम अपनी तमाम जितनी भी परेशानी होती है उसके सामने रखते हैं तो हम भी भी भूल जाते हैं कि क्या परेशानियाँ थी तू मालिक है तू सवारने वाला है भी और भी वो यानी एक जो उस बच्चे ने उस वक्त मुझे महसूस कराया तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई हम अगर उसके सजदे में रहें पाँच वक्त

हज़ार सजदों से देता है सुभान अल्ला, सुभान अल्लाह अल्लाह तो डेफिनेटली जब आप सजदे में पढ़ के उससे मदद मांगते हैं तो आपके अंदर एक खुद ब खुद ताकत आ जाती है हजरत अली का एक फरमान है कि जब मैं अल्लाह ताला से बात करना चाहता हूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ तो बहुत गहरी बात है आप कि अल्लाह ताला के सारे मैसेज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके कुरान के अंदर मौजूद है लेकिन जब आपको तकलीफ हो तो बेशक आप दो रकत नमाज पढ़ लें हैं वो भी नहीं पढ़ सकते तो फर्ज नमाजों में अल्लाह ताला से रो के अपने हक़ हाँ के लिए दुआ करें अल्लाह ताला यकीनन आपकी सुनता है और सुनेगा लेकिन सिर्फ सुनने वाला है 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 ये यकीन सिर्फ की बात है। सिर्फ यकीन की बात यकीन है की बात बात सिर्फ आप है। किस दर को खटखटा रहे हैं आपको उस बात का यकीन होना चाहिए और आप क्या वसीला अल्लाह को दे रहे हैं इस बात का यकीन होना चाहिए कि कौन सा वसीला अल्लाह ताला करेगा बड़ी खूबसूरत बात है बड़ी मामूली सी मिसाल है बहुत ही मामूली सी और मेरे हाल में हर एक को किसी ने कहा कि भी इस तरह इंसान था मोमिन शख्स था मुसलमान था तो वो गया तो वहाँ पे जो बाल काटने वाला था उसके पास गया तो बातों बातों कहाकन तो नहीं रखता तो कहने लगा दुनिया में देखो कितने मसायल हैं लोग हैं गबत है ये वो कहाँ है अल्लाह कहाँ है जो उनकी मदद नहीं करता तो वो आदमी इस बात पे बहुत परेशान हुआ कि उसके पास कोई जवाब नहीं था उसको देने के लिए वो कह रहा था कि वो अल्लाह मौजूद है यानी जो भी है दुनिया में हाँ थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो वहाँ पे उसकी दुकान के बाहर एक आदमी बड़े खूब लंबे बालों खड़ा था तो यानी लंबे बाल थे उसके लंबी दाढ़ी थी तो उसको एकदम ख्याल आया वापस अंदर गया और उसको साथ ले गया कहने लगा भाई हाँ बताओ क्या, हां बताओ, क्या हां बताओ, तो मैं कह रहा हूँ तुमने कहा कि अल्लाह नहीं है मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई बाल काटने वाला नहीं है, है ही नहीं कहता मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ कहता है मैं कह रहा हूँ नहीं हूँ नहीं है कहता है कि नहीं है तुम तुम कैसे कह रहे हो मैं जब सामने मौजूद हूँ कहता है फिर तुम अगर ऐसी बात होती तो फिर इस आदमी के बाल लंबे ना होते इसकी दाढ़ी लंबी ना होती अगर तुम होते तो कहता है ये मेरे पास आया नहीं कहता मेरी बात का जवाब तुमने खुद ही दे दिया कि अल्लाह को चाहते हो कि वो तुम्हारी, तुम्हारी बात को सुने और तुम उसको पहचानो तो उसकी तरफ रुजू करो नेमत है नुमारे पर रुजू, रुजू करो जब रुजू करोगे तो पहचानोगे ना तब जानोगे ना कि अल्लाह की जात मौजूद है जब और इस वजह से ही दुनिया में मसायल हैं तो वह तमाम लोग अगर अल्लाह की तरफ रुजू करें

देने वाला वो है ज़िंदगी देने वाला जब वो है तो ज़िंदगी और मौत भी उसी के इख्तियार में आप नहीं है कि आप डिसाइड करें कि हम तुम्हें नहीं शेयर कर सकते हम अपनी चीज़ों को तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकते बेशक वो ऊपर वाला बैठा है वो दे रहा है उसने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरा शुक्र अदा नहीं कर रहे तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हाँ बेशक आप उसकी नियमतों का शुक्र अदा करें वो अपने तरीके से शुक्र अदा करते हैं वो भी मानते होंगे नहीं मानते ये अल्लाह का और उनका है लेकिन अल्लाह ताला हमें माफ नहीं करेगा अगर हमने किसी के हकूक के या अगर हमने उसकी नियमत को शेयर नहीं किया बहुत खूबसूरत बात आपने की और यहीं से मुझे ये भी बात याद आ रही है कि हम अपनी मर्जी से

हम उस नेमत की नियतों को कैसे तो यहाँ तो ये नेमतें तो उसने अता की हैं जो हमें औलाद अता की हमें जो दुनिया में भेजा उसकी जात ने हम नेमत उसकी नेमतें हैं ना बेशक लेकिन ये कि ये इनपे हमारा कोई यानी जो नेमत होती है ना उस पे तस्व्र हक नहीं है बिल्कुल हमारा हक नहीं होता अगर हमें अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला नेमतें अता कर रहा है तो हमें उसको देख के ये नहीं कह सकते कि तुझे तो उसने तो अल्लाह ने तो तुझे इतना तो 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 कुछ अता कर दिया और हम उससे अपने दिल में हसद पैदा करें तो ये चीज़ें यूं नहीं है नमत जो है वो अल्लाह ताला ने किसी को अता की है तो ये उसकी अनायत है लेकिन ये कि यहीं पे है जैसे जिंदगी देता है वैसे भी जिंदगी और मौत उसके खुदा उसके हाथ में है हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते इंसान अपनी काविशों को तो कह सकता है कि हाँ मैं अगर आज कामयाब हूं तो मैं अपनी काविशों से क्योंकि मुझे मेरे पास अकल थी मैंने आज ये दुनिया का यही हाल है ना आज दुनिया का यही हाल है हम अपनी कोई भी कामयाबी हो हम उसका उसका क्रेडिट अल्लाह ताला की जात को नहीं देते हम खुद को देते मैं जही नहीं बोतूँ मैं यह बिल्कुल ऐसे ही है मैं जही नहीं बोलतूँ मैं स्मार्ट ही बहुत हूँ मेरे पास तो मेरे पास तो मुझे तो गाड़ी चलानी आती है मुझे तो टेक्नोलॉजी आती है मुझे तो ये सब आता है लेकिन ये कि ये तुझे अता किसने किया उस रास्ते पे डाला किसने ये उसने तुझे, उसने तोफी किसने अता की तुझे तोफीक अता की अगर वो चाहता तो तुझसे जिंदगी छीन लेता लेकिन वही कि उसका शुक्र अदा करने का तरीक़ा ये है कि आप शुक्र अदा करें दिल में करें आप कोई भी काम करते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज हमें सुबह की रोशनी देखना नसीब की अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये अच्छा काम करने की तोफ़ी अदा की लेकिन शुक्रने नमत के साथ वही बात हम पुराने पॉइंट पर आएंगे कि अपनी सलाहियतों को पहचानना और उसको अच्छे इस्तेमाल में पॉजिटिव वे में लेकर आना और किस तरह उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचाया जाए वो आपके शुक्राने में शुक्राने नेमत में आता है नबी हजूर का इरशाद है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को नेमत देता है तो वो पसंद करता है कि इस नेमत का इजहार बंदे पर जाहिर हो इजहार का मतलब बंदे पर नहीं बंदा अपने लिए कपड़े खरीदे अपने लिए चीज़ें लेके भाई हमें अल्लाह ने दिया ये तो बहुत सारे लोगों की कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह भाई ये तो हदीसी नबू है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया तो तुम जाहिर करो ज़ाहिर का मकसद है कि उसको अपने साथ शेयर करो लोगों, कर लोगों के लोगों में बांटे लोगों में बांटे अगर तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी तो लोगों के साथ बांटो उसे और ये बात याद रखिएगा कि मेरे वालिद कहते थे कि जितना बड़ा दरवाज़ा होगा जितनी बड़ी खिड़की और दरवाजा रखोगे उतनी ही ज्यादा हवा आएगी मतलब ये कि जितना आपके पास आ रहा है आप उतना ही देने पर बिलीव करेंगे जितना तो हवा ताज़ा हवा आती बेशक, अगर आप सिर्फ पैसे रख करके बैठे रहेंगे तो वो बढ़ने वाला नहीं लेकिन देने वाले का अल्लाह ताला उस हाथ को ज्यादा अता करता है जो दूसरों को अता करता है उसको उससे ज्यादा देगा ना अगर आपके साथ साथ मैं दस और लोगों को दे रही हूँ तो अल्लाह ताला उसके हिसाब से मेरी रिस्क में इजाफा करेगा बेशक और अगर मुझे ही सिर्फ आदत है सिर्फ अपने आप को ही संवारने की और अपने ही इर्द गिर्द रखने की तो फिर अल्लाह ताला मुझे उतना ही देगा क्योंकि वो मेरे मिजाज में शामिल है बिल्कुल वो मेरी जिबिल्लत में है कि मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करूंगी तो फिर इस वजह से वो मुझे उतना ही देगा उतना ही रिस्क देगा इसके साथ ही मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ और इन ब्रेक के बाद से फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं